नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। दोस्तों, खंडवा से गुड़ी अमला खुर्द के बीच में दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा पूर्व में गुड़ी तक ट्रैक पुराना वाला डाला गया था, जिसकी लंबाई करीब 35 मीटर होती है, तथा अब मथिला के रास्ते ट्रेन गुड़ी की ओर नया ट्रैक 260 मीटर लंबाई का लेकर पहुंची। पहली बार यह ट्रेन रवाना हुई है तथा इसके द्वारा करीब गुड़ी तक के सेक्शन के लिए ट्रैक बिछाया जाने के लिए नई पटरियां गिरा दी गई हैं और भी दो रेक और आने वाले हैं। जैसा कि पता चला है कि जो यह सेक्शन है गुड़ी तक का, इसको जुलाई तक कंप्लीट करना है। इस दिशा में यह ट्रैक आ चुके तथा इनको पुराना ट्रैक हटाकर अब नई जगह पर पटरी यह वाली बिछाई जाएगी। अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है और जो आमला खुर्द तक का सेक्शन बचता है 20 किलोमीटर लंबाई का, उसका कार्य सितंबर अक्टूबर तक पूरा करने की दिशा में कार्य तेज गति से चल रहा है। पुल पुलियाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है तथा उम्मीद है कि उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया जाएगा। जो यह रेक आया है, इसको भुसावल से भिला स्टील प्लांट की जो ट्रेन आई थी उसको वाया मथेला होकर जो अपना 5 नंबर प्लेटफार्म है वहाँ से लहरी नाका होते हुए बामन गांव से आगे गुड़ी की तरफ ले जाया गया तथा इसने वहां पर कुछ दूरी तक ट्रैक जो एक रेक में आता है वह तो डाल दिया है। अब आगे की ओर के लिए दो रेक और आएंगी। इसके पश्चात जब गुड़ी से अमला खुर्द के बीच में कार्य पूरा होने पर आएगा उसके लिए ट्रैक बिछा दिया जाएगा पुराना वाला, फिर यह नया ट्रैक बिछाने की प्रोसेस उस पर की जाएगी। बहरहाल जो यह खबर प्राप्त हुई है कि जो नया ट्रैक है वह गुड़ी के लिए आ चुका है, यह काफ़ी अच्छी बात है। लग रहा है कि कार्य अब दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से तेज़ी से किया जाएगा, क्योंकि जो नया डाइवर्टेड सेक्शन है तुखई थड़ के पास में जो ब्रिज बनाया जाना ताप्ती नदी का, उसके लिए भी प्रोसेस तेज गति से की जा रही है और नए सेक्शन के लिए भी फाइनल लोकेशन सर्वे आदि के प्रारंभिक सर्वे पहली बार रेलवे के द्वारा निकाल दिए गए हैं और जल्दी उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। अपने तय लक्ष्य से काफ़ी समय पीछे यह परियोजना चल रही है, लेकिन जैसा कि इसको पर्याप्त मात्रा में बजट मिलता आ रहा है, जो मेलघाट टाइगर रिजर्व का मसला था वह भी अब डाइवर्टेड ट्रैक से ट्रैक निकालने के कारण सुलझ चुका है, और तो इसको हम देख के उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के पश्चात में सारी स्थितियां यहाँ की क्लियर हो चुकी हैं। भूमि अधिग्रहण की जो प्रोसेस थी नए अलाइनमेंट पे वह की जा रही है, तो इस परियोजना का अब पूरी तरह से कार्य जो धरातल पर हमें कुछ समय के पश्चात में दिखाई देगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।